हेलो एवरीवन, आज दिखाऊंगी आपको मेरी टेस्टी टेस्टी कचौरी की रेसिपी। इसके लिए मैंने तुअर के लीलवा ले लिए हैं, इसको ग्रीन ग्रीन वाले जो है वही लेने हैं ज़्यादातर। और इसको अच्छे से धो लेंगे और फिर क्रश कर लेंगे। जो क्रश रहता है उसमें एकदम ही जो एकदम पेस्ट बन जाए, इतना नहीं, थोड़ा सा दरदर आ रहा है, उस तरह से हम क्रश करेंगे। इसके लिए क्रशर को यूज़ करेंगे और इसी में हम मिर्ची और अदरक भी साथ में पीस लेंगे। ये मैंने 500 ग्राम तुअर ली थी जिसके दाने हैं, अब उसको चढ़ा लेंगे। जिसके लिए मैंने जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, हींग डाल के तुअर का जो पेस्ट क्रश किया था तुअर को वो डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसको हमें पकाना है। नमक डाल देंगे ताकि वो जल्दी से पक जाए। नमक डालने से चीज़ें जो है वो जल्दी पक जाती हैं। ये है तिल, इसको हम तड़के में भी डाल सकते हैं। काजू थोड़े टुकड़े करके और फिर किशमिश। ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी लगती है कचौड़ी में, मस्त चीज़ें हैं। और पहले तो हम ऐसे बोलते थे कि जिसमें किशमिश आ गई वो बहुत लगती है। देखिए इस तरह से वो उसका जो क्रश किया हुआ है वो पक जाएगा, उसका कलर चेंज होगा थोड़ा सा। हमें धीमी आंच पे ही पकाना है। अब डालेंगे हम चीनी और नींबू। आधा नींबू मैंने यूज़ कर लिया है। ये सब चीज़ें अभी गैस बंद करके डालेंगे हम। लहसुन और धनिया की पेस्ट और ये मैंने वापस से डाला है कोकोनट। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी है। कचौरी को इंडियन फ्राइड मोमोज भी बोलते हैं। अब इसको हम बनाएंगे गेहूं के आटे में ही। इसके लिए मैंने गेहूं का 5 चम्मच आटा ले लिया है, नमक डाला है और अजवाइन, तेल 2 चम्मच मोइन करने के लिए। और अच्छे से इसका आटा तैयार लेंगे कर लेंगे। धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, ऐसा डो हमें तैयार करना है। अजवाइन डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए मेरा आटा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब उसकी पूरियां बना लेंगे। इस तरह से पूरियां बनाते हुए जाएंगे और स्टफ भरते जाएंगे। इस तरह से 1 चम्मच जितना आ जाए उतनी कचौरी हम बना सकते हैं, फ्लैट वाली भी बना सकते हैं। इस तरह से जैसे कि मोमोज हम बनाते हैं उसी तरह से। और ऊपर का जो आटा है वो पोटली बना के हम थोड़ा जो एक्स्ट्रा आटा बचता है वो ले लेंगे। और हाथ से पोटली शेप या राउंड शेप जो भी देना चाहे हम दे सकते हैं। ये रेडी है। उसी तरह से मैंने सारी जो कचौरियाँ हैं वो रेडी कर ली है। बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मेहनत है पर वो वर्थ है। अगर घर में बहुत सारे लोग हैं तो सब मिलके बना ले तो फटाफट से बन भी जाएंगे और जो टेस्ट का आनंद भी है वो भी हम उठा पाते हैं। मैंने तेल ले लिया है, डूब जाए उतना तेल ले तो अच्छी बात है। मेरा जो मैंने तेल लिया था वो थोड़ा सा कम लिया था क्योंकि बार बार वही ऑयल हम यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए इसके लिए। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम निकाल लेंगे। इस तरह में सारी कचौड़ियाँ जो हैं वो करके स्टार्टिंग में बहुत ज़ोर से नहीं उसको हिलाना है, नहीं तो स्टफिंग अगर कहीं से थोड़ा सा पतला हुआ तो निकल जाएगा। ये सारे जो कचौड़ियाँ हैं मेरी यम्मी यम्मी वो तैयार है। गर्मा गर्म आप खाएँ और कचौड़ियों का आनंद उठाएँ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। आप ट्राई करना। थैंक यू।